अस्सलामु अलैकुम, मैं यासिर व्लॉगर आप लोगों के साथ। आज मेरा ये पहला व्लॉग है। मैं चला हूँ जहाँ मैं और मेरे फ्रेंड बचपन में जाया करते हैं। रास्ता यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब है। एक्चुअली मैं दूसरी रास्ते से आया, जो रास्ता मेरे लिए बेस्ट थी उस रास्ते से मैं नहीं आ पाया। मैं थोड़ी उस रास्ते से नीचे आया, लेकिन कि फाइनली मैं जो है रास्ते पे पहुंच गया। मैं जा रहा हूँ, आप लोगों ने कुछ लोगों ने नाम सुना होगा खलन, वहाँ जा रहा हूँ मैं। ये मेरा पहला व्लॉग है, सपोर्ट करिए मेरे पेज को। आप लोगों की ज़रूरत, मुझे सख्त सपोर्ट की ज़रूरत। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि मैं पहला शायद 10 दिन का व्लॉगर हूँ जिसने ये पेज बनाया, और शायद ये आज तक यहाँ पे नहीं किसी ने जो है 10 दिन को प्रमोट नहीं किया। जितनी सपोर्ट आप लोगों की मुझे मिलेगा, इंशाल्लाह रहमान मैं कोशिश करूँगा 10 दिन की हर एक जगह पे पहुँचने की, और आप लोगों को मैं हर एक जगह 10 दिन की दिखाऊँगा कि 10 दिन में कौन सी चीज़ जो है फेमस है, वो भी मैं दिखाया करूँगा। आज के बाद हर दिन कोई नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा मैं। आज मैं फ़िलहाल खलन आया हूँ। खलन में इसलिए आया हूँ क्योंकि घर पर थोड़ा बेकार था, सोचा कि आज एक पेज बनाऊं अपने दोस्तों के लिए। काफ़ी सारे 10 दिन के लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं। यूट्यूब पे मेरा पहले ही पेज था किश्तवाड़ 10 दिन, उस पेज को जो है मेरा नाम चेंज हुआ है यासिर व्लॉग। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सभी से कि आप जाइए YASSERVLOGS सर्च करिए और वहाँ पे जो है सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे इस फेसबुक पेज भी तो फाइनली मैं जो है खलन पहुंच गया हूं। मैं पूरे खलन की शेयर करूँ आप लोगों को। यहाँ थोड़ा सा मैदान है, बचपन में हम यहाँ पे आया करते थे और क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट एक कपड़ों की जो है बॉल बनाया करते थे हम, क्योंकि यहाँ पे बॉल को जो है खेलने का थोड़ा रिस्की है। बॉल तो साथ लाया करते थे हम 3-4, लेकिन वापस जाने के बाद एक भी नहीं मिलती थी। शॉट जैसे ही लगती थी यहाँ पे, तो फिर एक किब्बर जाने वाले रास्ते के आसपास वो बॉल जो है मिलती थी। दोनों जगह यहाँ पे बॉल के लिए इसकी थे, इस साइड भी बॉल खेती थी, काफ़ी दूर से लानी पड़ती थी। और लेकिन अगर आप आओगे तो साथ में ज़रूर कपड़ा लाना और उस कपड़े वाली बॉल को जो है बनाना, और यहाँ पे जो है क्रिकेट का लुत्फ उठाना। अच्छी जगह यहाँ पे, पत्थर देखो यहाँ पे कैसे बैठने के लिए है, अच्छी जगह है। टॉप जैसे यहाँ पे बना हुआ है, कश्मीर में ऐसी पत्थर एक ट्रेंड में चल रही है, लेकिन उस तरीके की अगर है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरी 10 दिन जो है दिख रही है, तमाम जगह यहाँ से दिखती है। ये रोड जो है हाईवे का, जो पूरे 10 दिन आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ से जो है जूम अगर मैं थोड़ा सा करूँगा तो ये जनकपुर वीडियो में आएगा। और ये रोड जो आप लोग दिख रहे हो, ये लोहरना का रोड है, लोहरना जाते हैं यहाँ से, और उसी रोड से जो है ये रोड पूरे 10 दिन को कवर करता है। ये यहाँ पे हो गया सुंदर खूबसूरत जगह जहाँ मैं भी रह रहा हूँ, बचपन से पैदा ही हुआ हूँ यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन आज थोड़ा सा मैं सुंदर से काफ़ी दूर आया हूँ, तो सुंदर का ग्राउंड यहाँ से दिखता है। ये यहाँ पे अगर मैं जूम करूँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो है ये जगह, ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। और आज खेती बाड़ी करने का सीज़न है, कुछ महीनों के बाद ही जो है ये यहाँ पे जो है बीच बीच में हरा दिख रहा है। इसको काटने के बाद ही जो है बीज लगेगा इसमें, मक्की ज़्यादातर यहाँ पे लगाया जाता है। तो फिर उसके बाद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये 10 दिन दिखती है, ये सुंदर की जगह खूबसूरत दिखती है। फिर कुछ महीने के बाद आप लोग देख सकते हो ये नदी जो है, ये नदी क्याड़ और मड़वा से आती है, और यहाँ फिर किब्र वाली नदी के साथ मिलती है। इस ये जो टॉप आप लोगों को दिख रहा है, इसके आसपास ही उस साइड जो है ये नदी मिलती है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कितनी नदियाँ हैं यहाँ पे, कितने दरिया जो है पीछे सागर से आते हैं। एक किब्र नाला का आता है, और दूसरा जो है होजड़ यानी कि अनंत नाला से आता है, तीसरा आता है क्याड़ नाला से, और चौथा जो है मड़वा से आता है। ये चार बड़े खतरनाक दरिया जो है फिर यहाँ पे मिलते हैं, और ये मिलने के बाद फिर जो है जो प्रोजेक्ट बन रहा है जे पर
ये दो जगह मैंने आप लोगों को दिखाई है। अब जैसे ही वहाँ पे खाना पीना खेलना ख़त्म करोगे तो फिर खेल कूद जैसे ख़त्म होगा वहाँ पे, तो फिर आप लोग कोशिश करिए 4-5 मिनट यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि ये जगह भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बैठने के लिए। यहाँ से तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो आप लोग देख सकते हो इस टाइम कितना खूबसूरत है। तो मेरी फेवरेट जगह ये है बैठने की, ये देख लीजिए, वाह क्या कमाल का दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और आप लोग यहाँ पे आइए, और अगर आओगे तो मुझे भी फ़ोन कर लेना, नंबर मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को दिख रहा है कि कोई जो है खेती बाड़ी कर रहा है वहाँ पे। ये यहाँ पे सामने वाला मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं बैठूँ यहाँ पे। हाँ तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो टावर यहाँ पे है, ये वाला टावर जो है ये सबसे पहले यही टावर दक्षिण में लगा था, ये BSNL का टावर था। और ये वाला टावर जो है, ये वाला टावर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला टावर जो है जियो का है। सॉरी मैंने अभी तक जियो का नंबर नहीं लिया है और ना ही मुझे पसंद है, एयरटेल शायद जियो से बेस्ट है, यहाँ पे 5G नहीं चल रहा है। और ये वाला टावर जो है ये एयरटेल का टावर यहाँ पे लगा है, और ये सुंदर का नज़ारा है, देख लीजिए सुंदर की कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। जो जो इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप अपने अपने गाँव का नाम बता दीजिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर मुझे इस वीडियो में कहीं बोलने में गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग वो भी मुझे बता देना, ताकि जो नई वीडियो आएगी तो उसमें उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँ। पहली वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, नर्वस हूँ, बात पूरी नहीं की जाती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है अच्छी लगनी चाहिए। कोशिश करूँगा मैं कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ, और तब शायद मेरी माइक जो है चार्ज होगी। अभी फिलहाल चार्ज नहीं है, पावर बैंक मेरे साथ में पड़ा है आप लोग देख सकते हो, और माइक मेरे हाथ में। मैंने कोशिश की थी माइक को यहाँ कहीं लगाने की, लेकिन इसमें बैटरी जो है डेड हो जाती है, तो फिर पता नहीं चलता है कि माइक काम कर रही है या नहीं, तभी मैंने हाथ में रखी है ताकि इसकी जो है देखो डेड हो गई। कोई मेरे साथ नहीं था आज, मैं अकेला यहाँ पे आया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि चैनल जो है मेरा पेज जो है मेरा बन चुका है, यूट्यूब का चैनल बन चुका है। यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब करना होगा आप लोगों को तो किश्तवाड़ दर्शन मेरा चैनल है, लेकिन उसका मैं नाम चेंज करूँगा अभी कुछ ही टाइम के बाद, वीडियो डालने से पहले मैं नाम उसका चेंज करूँ, उसका नाम रखूँगा मैं अभी यासिर व्लॉग व्लॉगर। तो वहाँ पे मैं अपनी पिक जो है दूंगा, यानी कि अपनी फोटो जो है मैं वहाँ पे लगाऊंगा, और सेम फोटो वही फेसबुक पेज पर होगा, फेसबुक पर भी यूट्यूब का लिंक जो है मैं डालूंगा। तो आप लोग वहाँ पर जाइए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और आप किस जगह से हो दक्षिण में, आप लोग किस जगह से हो, और जो दक्षिण से ना हो वो भी आप मुझे वीडियो में बताएगा कि वो किस जगह से है। मैं कोशिश करूंगा कि उन कमेंटों को पढ़ने की और उसे रिप्लाई वापस देने की। कोई अच्छी कमेंट करेगा मैं उसे भी कमेंट दूँ, अगर कोई बुरी कमेंट करता है तो मैं ज़रूर उसे भी कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। तो बाकी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस पेज को जो है आगे चलाने की और उस अपने चैनल को आगे चलाने की। शुक्रिया।